युगों युगों से हो रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी राशि होगी मालामाल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज उन्हें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सबका अपना साप्ताहिक राशिफल के साथ आज मैं पुनः आपसे चर्चा करने वाला हूँ आपकी अपनी राशि के बारे में, कैसा रहेगा आपका यह सप्ताह। तो आइए शुरू करते हैं राशिफल। परंतु उससे पूर्व मैं आप सभी भक्तगणों का ध्यान विशेष रूप से इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप परम पिता परमात्मा ने आपके उन शुभ कार्यों के बदले में या तो कुछ वरदान आपको दिए थे जिसका फल आपको इस जीवन में प्राप्त होगा, या कुछ कर्मों के प्रभाव के कारण आपको शाप मिले थे जिनका फल आपको इस जीवन में आवश्यक रूप से भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म थे। अब आप कहेंगे गुरु जी ये वरदान क्या है, तो मैं यहां आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर वरदान और शाप की व्याख्या करूंगा कि मान लीजिए परम पिता परमात्मा ने एक विशेष जरूरत के लिए आपको एक शाप दिया है, आपको एक वरदान दिया है। उस वरदान के फलस्वरूप अगर आप जहां कहीं भी होंगे मृत्यु के यमदूत यानी यमराज के भेजे हुए यमदूत किसी न किसी व्यक्ति का काल बनकर उस समय आने वाले होंगे, मगर आपकी उपस्थिति को देखते हुए वो आपसे डर जाएंगे और उस वजह से वो उस कमरे में उस जगह पर आ ही नहीं सकेंगे जहां आप बैठे हुए हैं। अंततः क्या होगा कि उसकी मृत्यु का समय टल जाएगा। बहुत बड़ा वरदान है ये। आप सोचिए, आप मान लीजिए किसी देश के प्रीमियर के साथ, प्रधानमंत्री के साथ या राष्ट्रपति के साथ हैं। हमारे देश में तो हमारे दो प्रधानमंत्रियों माननीय इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो उस समय इंदिरा जी के साथ या राजीव गांधी जी के साथ होता तो क्या उनकी मृत्यु हो सकती थी? असंभव। यह वरदान जिन व्यक्तियों को मिला होता है उनके आसपास मृत्यु के दूत यानी यमदूत फटक भी नहीं सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आपको यह वरदान मिला हुआ है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से वरदान आपको परमपिता परमात्मा ने आपके अपने कर्मों के फल स्वरूप आपको दिए थे, तो आप मेरे द्वारा YouTube पर बनाई गई वरदान श्रृंखला के जो मैं अब तक लगभग 40-50 वीडियो दे चुका हूं वहां पर, उनको एक एक करके देखिए। या शाप श्रृंखला के जिसमें अगर भगवान ने आपको शाप दिया है, शाप का मतलब आपको समझा देता हूं, उस शाप की व्याख्या कर देता हूं आपको। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली में एक स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां पर जैसे ही आपकी शादी होगी या शादी की बातचीत तय होगी उसके तुरंत बाद आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट निश्चित है, आपकी शादी में खलल पड़ेगा ये निश्चित है, तो ये शाप है। बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे बारात को लेके आ रहे, दूल्हा दुल्हन दोनों की मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट के दौरान, या खाली उस व्यक्ति की, मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में शाप है केवल उसकी मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ बहुत सारे यात्री, मतलब जो उस बस में सवार यात्री थे उनको भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। उसका शाप इतना मजबूत था कि आसपास वाले उसके शाप में घुलकर स्वयं अपनी जिंदगी भी गवा बैठे। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा। तो यह वो शाप है जो आपके कर्मों के फलस्वरूप, आपके बुरे कर्मों के फलस्वरूप, आपके पाप कर्मों के फलस्वरूप आपको अगले जन्म में
भुगतने पड़ते हैं अगर उन कर्मों का फल आपको उस विशेष जन्म में ना मिला हो। यानी आपने अगर इस जन्म में कोई बुरे कर्म कर रहे हैं और उसका बुरा फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया है तो निश्चित जानिए उनका बुरा फल आपको शाप के रूप में अगले जन्म में अवश्य भोगना ही पड़ेगा। यह अटल सत्य है, इस बात को कोई मुकर ही नहीं सकता। तो इस बात के लिए भी मैंने यूट्यूब पर मेरे वीडियो चैनल में बहुत सारे शाप से संबंधित वीडियो बनाए हैं जिनको देखकर आप अपनी जिंदगी में एहसास कर सकते हैं कि आपको कोई शाप मिला हुआ है या आपको कोई वरदान मिला हुआ है। तो आप मेरे YouTube चैनल पर तसल्ली से वरदान के वीडियोस और शाप के वीडियो देखिए कि आप या आपके घर का कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति, आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी, आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार इन वरदान से कहीं दिन दूनी रात चौनी उन्नति तो नहीं कर रहा या इन शाप की वजह से अपना सर्वनाश तो नहीं करवा बैठा। तो उसके लिए बिना किसी चीज का मेरे इसी वीडियो चैनल पर वरदान और शाप के वीडियो सर्च करिए। शाप के भी मेरे लगभग 40-50 वीडियो बन चुके हैं और वरदान के भी लगभग 40-50 वीडियो आ चुके हैं। उनको ढूंढिए और उनको देखिए और उनके बारे में ज्ञात करिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में कोई वरदान है या नहीं, कोई शाप है या नहीं। तो मैं वरदान और शाप की चर्चा से आगे बढ़ते हुए आपके सहयोग की यानी सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो आप लोगों की वजह से मेरे चैनल को 11-12 लाख लोग अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिना किसी झिझक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान वर्धन के हमारे सनातन हिंदू धर्म से संबंधित यह वीडियो उनको निरंतर YouTube नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होते रहें। उसके लिए सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबा के नोटिफिकेशन के लिए YouTube को इंडिकेट करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने घर वालों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है। और कमेंट्स भी जरूर करिए क्योंकि आपके कमेंट्स ही तो हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं किस विषय पर अपने अगले वीडियो को बनाऊं। मतलब साप्ताहिक राशिफल के अलावा मैं किस विषय पर आपको वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूं तो उसका सजेशन तो आप ही लोग देते हैं ना। आप कहेंगे कि मैं वरदान सीरीज के मुझे 108 वीडियो बनाने थे, मैं अभी तक 40-50 वीडियो ही बना सका हूं तो मैं उन 108 वीडियो को पूरा करूं, या शाप सीरीज के मुझे 108 वीडियो बनाने थे मैं उस वीडियोस को पूरा करूं, या आपकी जानकारी में कुछ ऐसे 108 ऐसे गुप्त मंत्रों को लाऊं जिनके द्वारा आप अपनी कायाकल्प कर सकते हैं भगवान की छोटी सी पूजा करके, क्योंकि मंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा इस कलयुग में भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है, भगवान तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है और सांकेतिक रूप से इन मंत्रों के माध्यम से भगवान के दर्शन भी किए जा सकते हैं। अरे साधके तो देखो भगवान सदने के लिए तैयार है, अरे साधने वाले बनो प्रभु, भगवान तो स्वयं आपके अंदर विराजमान है मगर साध लो, यहां सदेंगे, यही वो जगह है, यही वो तीसरी नेत्र की जगह है जहां भगवान सत्य हैं, यहीं पर साधु अपने प्रभु को, जिसकी भी आप आराधना करते हो, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, जिस भी धर्म में विश्वास करते हो, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे मुस्लिम हैं, आप अपने अपने भगवान को जो भी साधना चाहता है वो यहां सधेंगे और कहीं नहीं सधेंगे। उनकी आराधना करो, अपने अपने मंत्रों से उनका पूजन करो, और अगर आपको इन मंत्रों की मेरे द्वारा आवश्यकता है तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए इन मंत्रों को शीघ्र 108 वीडियोस के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं, बशर्ते कि आप स्वयं मुझसे कमेंट्स के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, लाइक के माध्यम से और सब्सक्राइब के माध्यम से मुझे निरंतर प्रेरणा देंगे कि अब आप इन वीडियो को बनाइए, तब मैं आपके लिए यह वीडियो प्रस्तुत करूंगा। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa and I also have been on the local TV programs and newspapers, and I will always visit India to
visit Guru Rajneesh Rishi Ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online, and I've been to many of them, many spiritual leaders who I've sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology, and that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail, and with his blessings I was able to go forward, and afterwards a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him, and I meditate upon him, and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life, and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maharaj Rukmani Ji, I also was able to go forward. And also at Shani Peak, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen. Because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Ma, it actually changed life a lot for me, because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings. And also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peak at any point in time, because it's a place that you will definitely get genuine help. और यहाँ एक छोटी सी बात और आप लोगों के सम्मुख में कहना चाहूंगा कि कभी भी ध्यान रहे अपने गुरु का, क्योंकि गुरु जो है देव गुरु बृहस्पति का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अपने धर्म गुरु का किसी भी रूप में कभी अपमान ना करें। ऐसा करने से आपकी धन संपत्ति और ऐश्वर्य का सर्वनाश हो जाता है। तो किसी भी धर्म गुरु का अपमान, चाहे वो किसी भी धर्म को क्यों ना बिलोंग करता हो, उसका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि मेरी राशि क्या है, कमाल है, मैं आपको रोजाना आपकी राशि बताता हूँ। उस समय आप चार्ट में क्यों नहीं देखते हैं? अपनी राशि के अनुसार ही आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए, अपनी राशि फल देखना चाहिए और उसके संबंधित उपाय करने चाहिए। या तो आप लग्न कुंडली के थ्रू देखें या राशि कुंडली के थ्रू देखें, चंद्र कुंडली के थ्रू देखें। तो यहाँ पर अगर आप अपनी राशि जानना चाहते हैं कि आपकी राशि क्या है या राशि फल क्या है, तो राशि फल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। राशि फल तो मैं सभी राशियों का आपको हर सप्ताह बताता ही हूँ। मेरे अलावा गुरु और रुक्मिणी आप सभी लोगों के लिए 3 दिन का राशि फल लेके आती है, जबकि स्वामी राजर्षि आपके लिए डेली राशि फल लेकर नित्य प्रति आपके सामने हमारे YouTube वीडियो चैनल पर प्रस्तुत होते हैं। रही राशि के बारे में जानने के लिए, तो आप देखिए जो राशि होती है, या तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि क्या है। अगर आप उसके द्वारा राशि फल देखेंगे तो निश्चित रूप से सटीक राशि फल आपको महसूस होगा। हालांकि हर व्यक्ति के अपने अपने ग्रह अलग होते हैं, ये कॉमन है। यानी दुनिया की 6 अरब आबादी में से 50 करोड़ लोगों की जो आबादी है उनकी राशि के बारे में बात हो रही है। लगभग जो 50 करोड़ लोग हैं उनके बारे में ये बात हो रही है, किंतु इंडिविजुअल जब बात करते हैं तो हर व्यक्ति के ग्रह अलग अलग होते हैं, राशि फल के परिणाम भी बदल जाते हैं। तो आप या तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार राशि देखें, या जिनको व्यक्तियों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है, उन व्यक्तियों के अपने जो बोलता हुआ नाम है, जिस नाम से वो मशहूर है समाज या दुनिया को, जिस नाम से जानती है, उस नाम के पहले अक्षर के अनुसार अपनी राशि इस चार्ट में देखिए। आपकी इस चार्ट में जो आपके नाम के अक्षर के आगे जो राशि आ रही है, उस राशि के अनुसार ही आपको अपना डेली राशि फल, साप्ताहिक राशि फल, वीकली राशि फल या एनुअल राशि फल यानी वार्षिक राशि फल देखना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह आपको अपने जीवन के मार्गदर्शन के बारे में कि आगामी समय कैसा चलेगा उसके बारे में आपको निरंतर मदद मिलती रहेगी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आपका इस सप्ताह का राशि फल। तुला राशि वालों, 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के ग्रह गोचर की स्थिति को आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर देखते हुए मैं आपके मनोबल में, आपके आत्मबल में, आपकी उम्र में स्पष्ट वृद्धि होते हुए देख रहा हूं।
और फिलहाल तो आपकी बल्ले बल्ले है ही है कि हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो भाग्य में राहु प्रबल रूप से परेशानी का सबब बनने का प्रयास करेगा, किंतु भाग्य का मालिक स्वयं आपके साथ बैठकर आपकी मदद करने की वजह से आप इस अनहोनी को टाल सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, भाग्य में आई अड़चनों को मिटा सकते हैं। जो कुटुंब पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का अवश्य प्रयास करें, आपका अनावश्यक क्रोध आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सत्ता पक्ष की ओर से भी आपको नुकसान होने की संभावना है, तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे सत्ता पक्ष से या पुलिस की वजह से आपको कोई परेशानी हो या मशीनों की वजह से आपका कोई नुकसान हो। अगर हम बात करें भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो उनमें कटुता आने की संभावना बनी हुई है, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें अन्यथा और अधिक संबंध खराब हो सकते हैं। अगर बात करते हैं मकान से संबंधित या वाहन से संबंधित, अगर आप कोई उलटफेर करने की विषय में विचार रखते हैं आप उसे मुलतवी कर दीजिए, फिलहाल समय आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर बात करते हैं जो स्टूडेंट्स के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के आपके लिए कोई कैरियर नहीं है, तो अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने कैरियर को उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना ही होगा। मैं सभी विद्यार्थियों से बोल रहा हूं, मगर जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता और जिनके मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, वो बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमें कॉल करके हमारे से एक व्हाट्सएप की वीडियो कॉल अपने माता पिता के साथ या स्वयं बुक कराएं, हम निश्चित रूप से न सिर्फ आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे अपितु आपके हर साल पहले से ज्यादा अच्छे नंबर आया करेंगे हमारे छोटे छोटे उपायों को मानकर। ऐसी हम आपको वचन देते हैं। जो प्रेमी युगल है उनसे भी कहेंगे उनके लिए समय अच्छा नहीं है, फोकस संबंधों को अच्छा बनाने पर रखें ताकि आपके संबंधों में मधुरता आ सके और आपके संबंध आगे चलकर शादी में कन्वर्ट हो सके, ऐसा प्रयास करें। जो बात करें स्वास्थ्य की, तो छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या सप्ताह के शुरुआत में उत्पन्न हो सकती है, किंतु सप्ताह के अंत तक आते आते मानसिक रूप से आप वैसे ही विचलित हो जाएंगे किसी और कारण से। अगर हम जीवन साथी के साथ आपके संबंधों की बात करें, तो नॉर्मली देखा गया कि जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध है कटुतापूर्ण रहते हैं तुला राशि वालों, तो इन संबंधों में मधुरता लाने के लिए अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको सदैव अपने जीवन साथी से संबंधित रतन की एक अंगूठी और अपने भाग्य से संबंधित रतन की एक अंगूठी को मंत्र सिद्ध पाठ प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर अपने हाथ में अवश्य धारण करना चाहिए। ये रत्नों की अंगूठियां ऐसे व्यक्ति से मंत्र सिद्ध कराएं जिन्होंने मंत्रों की स्वयं सिद्धि कर रखी हो। अगर ऐसी अंगूठियां आपको मिलने में असमर्थता आ रही, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमें फोन करके इन अंगूठियों को अपने घर बैठकर, चाहे आप दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 133 देशों में इन अंगूठियों को काफी सालों से भेज रहे हैं। अगर हम भाग्य की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था भाग्य में कुछ अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, किंतु भाग्य के मालिक का आपके अपने राशि के ग्रह के साथ बैठना आपके लिए शुभ फल दर्शाता है, तो आपको उसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर हम बात करें कार्यस्थल की, कार्यस्थल के हालात की, तो कार्यस्थल के जो हालात हैं, व्यापारी के जो हालात हैं, बॉस के साथ आपके जो रिलेशन है या अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपके जो रिलेशन है, सप्ताह की शुरुआत में तो वो खराब होंगे, किंतु सप्ताह के अंत तक आते आते वो मानसिक चिंता का कारण भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें। उन संबंधों को अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयास करें, अपने क्रोध को नियंत्रण में करें। साथ ही सूर्य के नीच प्रभाव के कारण सप्ताह के अंत तक आपको मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो इससे सतर्क रहें। आमदनी का नुकसान भी संभव है, तो कोशिश करें कि आपकी इनकम को कोई नुकसान ना पहुंचे, ऐसी हम आपको सलाह देते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हो इस वजह से परेशान है, या नौकरी ना मिलने से परेशान है, या नौकरी प्रमोशन और बॉस की वजह से परेशान है, या व्यापार की वजह से परेशान है, या धन की कमी की वजह से परेशान है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या अगर शादी हो गई है तो शादी में ग्रह कलेश की वजह से परेशान है,
या संतान ना होने की वजह से परेशान है, या व्यापार में हो रहे घाटे की वजह से परेशान है, या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है या अपना व्यापार स्थल नहीं है उसकी वजह से परेशान है, या फिर आप अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी की वजह से परेशान है, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके हमारे लिए यानी गुरु रजनीश ऋषि के लिए, गुरु मां रुक्मणी जी के लिए या स्वामी राज ऋषि जी के लिए वीडियो कॉल बुक करा के उनसे अपनी परेशानियों के उपाय जान सकते हैं, जिन्हें करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में धीमे धीमे करके अभूतपूर्व परिवर्तन अवश्य आएगा। जो व्यक्ति सनातन हिंदू धर्म में परमपिता परमात्मा में और नवग्रह देवताओं में असीम आस्था रखते हुए इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं और करने के उपरांत फल देने के लिए परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को निसंदेह इन उपायों को करने से अवश्य फल की प्राप्ति होती है। तो तुला राशि वालों, आपके ग्रह गोचर की ओवरऑल स्थिति को देखते हुए यहां मैं आपको 5 में से 3 स्टार देता हूं। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष अगले हफ्ते का राशिफल लेकर पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।